Realme GT60 और Vivo T3 Ultra कौन सा फोन आपके नीड के अकॉर्डिंग बेहतर रहेगा, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन की डिजाइन की। तो 60 के अंदर हमें बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगी और T3 Ultra के अंदर हमें बैक साइड से मिरर ग्लास देखने को मिल जाएगा। थिकनेस की बात करेंगे तो Realme GT60 हमें 8.65 mm की थिकनेस देखने को मिलेंगी और T3 Ultra के अंदर हमें 7.58 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएंगी। वेट की बात करेंगे तो 60 के अंदर हमें 191 ग्राम देखने को मिल जाएगा और T3 Ultra का वेट हमें 192 ग्राम का देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो 60 के अंदर हमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सिल्वर, पर्पल, ग्रीन, 3 कलर देखने को मिलेंगे और T3 Ultra के अंदर हमें ग्रीन, ग्रे, ये 2 कलर देखने को मिलेंगे। IP रेटिंग की बात करेंगे तो 60 के अंदर हमें IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है और T3 Ultra में हमें IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन का डिज़ाइन किस तरह से दिया गया है। बात करेंगे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की तो दोनों ही फोन के अंदर हमें डुअल सिम कार्ड देखने को मिल जाएंगे। 2G, 3G, 4G, 5G सभी नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन के अंदर आपको वाईफाई भी देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन के अंदर हमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही चीज़ों का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो दोनों ही फोन के अंदर हमें अमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएंगी। स्क्रीन साइज की बात करेंगे तो 6.7 इंचेस का FHD+ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा 60 के अंदर और सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा हमें T3 Ultra में 6.7 इंचेस FHD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 60 का जो PPI रहेगा ये 450 PPI देखने को मिलेगा और T3 Ultra का जो PPI रहेगा 453 का देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन के अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट है और अगर हम बात करेंगे पीक ब्राइटनेस की तो Realme GT6 के अंदर हमें पीक ब्राइटनेस 6000 nits से दी गई है और Vivo T3 Ultra के अंदर हमें 4500 की nits दी गई है। और अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की तो Realme GT60 के अंदर हमें Snapdragon 7 Plus Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें हम T3 Ultra की तो इस फोन के अंदर हमें MediaTek Dimensity 9200+ का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन के अंदर जो फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। रैम टाइप की बात करेंगे तो दोनों ही फोन के अंदर LPDDR5X का रैम देखने को मिलेगा और एंटी स्कोर भी दोनों ही फोन का अराउंड 15 लाख का हमें देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तो दोनों ही फोन के अंदर में 5500 की बड़ी बैटरी देखने को मिलेंगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर चार्जर की बात करेंगे तो Realme GT60 के अंदर हमें 120 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा और Vivo T3 Ultra के अंदर हमें 80 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन के अंदर हमें USB टाइप सी देखने को मिल जाएगा, USB OTG का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैटरी के डिपार्टमेंट में दोनों ही फोन सेम रहेंगे। हाँ, थोड़ा फास्ट चार्जर रहेगा Realme GT60 के अंदर, तो आपको ज़्यादा फास्ट चार्जर चाहिए तो आप Realme GT60 के साथ जा सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की तो दोनों ही फोन के अंदर जो कैमरा रहेगा डुअल मेगापिक्सल हमें कैमरा देखने को मिलेगा। Realme GT60 की अगर बात करेंगे तो इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है और T3 Ultra के अंदर भी हमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन के अंदर हमें फ्लैश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर T3 Ultra के अंदर जो फ्लैश रहेगा ये ऑरा लाइट देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छी लाइट्स है, आप इवन नाइट में भी काफ़ी अच्छे क्लियर फोटो ले सकते हैं इससे। सेल्फी कैमरे की अगर बात करेंगे तो Realme GT60 का सेल्फी कैमरा में 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और T3 Ultra का सेल्फी कैमरा में 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोनों ही फोन के अंदर हमें एंड्रॉइड का 14 वर्जन देखने को मिल जाता है। कस्टम UI की बात करेंगे Realme GT60 का कस्टम UI में Realme UI देखने को मिलेगा और Vivo T3 Ultra का कस्टम UI में फंटच OS देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन के अंदर हमें ऑडियो जैक USB टाइप सी देखने को मिलेंगे। स्पीकर की बात करेंगे Realme के अंदर हमें डुअल स्टोरेज स्पीकर विद डुअल एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। Vivo T3 Ultra के अंदर हमें डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही फोन के प्राइस पॉइंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के प्राइस यहाँ पर मेंशन है। दोनों ही फोन के अंदर हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे और हाँ दोस्तों ये वक्त के हिसाब से जैसा सेल रहेंगी उसके हिसाब से इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो एक बार आप प्राइस कंफर्म कर लेना फ़ोन परचेज करते वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं GT60 के अंदर हमें 8GB 256GB का वेरिएंट 33000 में देखने को मिलेगा, 12256 वाला वेरिएंट हमें 36 में देखने को मिलेगा और 12512GB वाला जो वेरिएंट है 39 में देखने को मिलेगा। T3 Ultra के अंदर हमें 8128 वाला वेरिएंट 32 में देखने को मिलेगा, 8256 वाला वेरिएंट हमें 34 में देखने को मिलेगा और 12GB 256GB वाला वेरिएंट हमें 36000 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही फोन के अंदर प्लस पॉइंट क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme GT60 के अंदर हमें एक अच्छा सा 6000 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, Dolby Atmos का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और इस फोन के अंदर हमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करेंगे T3 Ultra की तो इस फोन के अंदर हमें प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाएगा और इसकी थिकनेस भी काफ़ी कम रहेगी तो ये वाला फोन अच्छा स्लिम आपको देखने को मिल जाएगा और इस फोन के अंदर IP68 की रेटिंग है तो ये वाला फोन काफ़ी सेफ रहेगा आपका और इस फोन के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा फोन
अच्छा है। दोस्तों मेरे एक हिसाब से राय देखी जाए तो ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी बेटर है, लेकिन आपको एक अच्छा प्रीमियम डिज़ाइन चाहिए, सेल्फी कैमरा भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए और आपको IP68 की रेटिंग चाहिए तो आप वीवो T3 अल्ट्रा के साथ ज़रूर जाइए। अगर आपको एक अच्छा ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले चाहिए, फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग आपको चाहिए और आपको डॉल्बी एटमॉस भी चाहिए तो आप Realme GT 60 के साथ जा सकते हैं। दोस्तों दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी आपके क्या राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे अपने चैनल मोबाइल की दुनिया को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।